लाओ गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कलगीधर दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज इस धरती उत्ते शरीर करके 42 साल रहे। 42 सालों में जो श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने करके विखाया वो दुनिया का इतिहास है साध संगत। ना कोई गुरु गोबिंद सिंह महाराज वर्गा होया ना कोई इस धरती ते हो सकता है। सन 1666 ईस्वी तो 1708 तक 42 साल का समा है श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का। साध संगत आपां सिफत करिए गुरु गोबिंद सिंह महाराज की ता शायद दुनिया के लोग कहणगे हर सिख अपने गुरु की वड्याई करदा। दुनिया में हर सिख अपने गुरु नू वाह वाह कहिंदा। साध संगत इस धरती उत्ते खास करके हिंदुस्तान के अंदर इत्थे तां कच्चे गुरुआं की वड्याई हुंदी रहिंदी है। जिहड़े गुरु शरीर करके अत दे विकारी ते विचारी हन केसां विच जेलां विच सजा भुगत रहे ने चंदक लोग तां उन्हां नू भी मन्नी जांदे। पर वड्याई दा सुआद उदों आउंदा है जदों दूजे धर्मां दे लोग वड्याई करन। वड्याई दा सुआद उदों है जदों दूजे धर्मां मजहबां दे फिलासफर विद्वान वड्याई करन। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज की वड्याई कल्ले आपां नहीं साध संगत दुनिया के तमाम धर्मां दे विद्वानां फिलासफरां ने वड्याई की। सनातनी मत का बहुत वड्डा विद्वान होया लाला दौलत राय आरिया। उन्हें श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की वड्याई विच एक पुस्तक लिखी है। वह लिखता है मैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की जीवनी तो लिख दिती पर मैनू गुरु गोबिंद सिंह महाराज की लिखी हुई जीवनी किताब का नाम लभण विच कई दिन लग गए। मैं उस किताब का नाम की रखा। अखीर उन्हें गुरु गोबिंद सिंह महाराज की वड्याई विच लिखी हुई उर्दू की वो किताब जिहड़ी हुण पंजाबी विच भी तर्जमा मिलता है उन्हें नाम रखिया सुभान उमरी गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह महाराज की वड्याई विच सनातनियां दा विद्वान लाला दौलत राय आरिया किताब लिखदा है। फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज की वड्याई क्रिश्चन फिलासफर मैकालिफ ने की। फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज की वड्याई विच इस्लाम दा एक महान विद्वान होया जिहदा जिक्र स्टेज तो तुसीं सुनिया जोगी अल्लाह यार खां। उन्हें गुरु गोबिंद सिंह महाराज की वड्याई विच दो किताबां लिखियां ने। एक किताब का नाम है गंजे शहीदां, दूसरी किताब का नाम है शहीदां ने वफा। कलगीधर पातशाह की वड्याई दुनिया के तमाम धर्मां के लोगों ने की। कदे तुसीं चमकौर साहब दर्शन करन जाओ साध संगत जिथे गुरद्वारा कतलगढ़ साहब है। चमकौर साहब के उस गुरद्वरे की वड्डी अफसील के उत्ते एक अखर लिखे है। वह किसी सिख ने नहीं लिखा, वह किसी सिख की लिखत नहीं, वह एक मुसलमान विद्वान की लिखत है। उन्हें अखरों में लिखा है और चमकौर साहब वह गुरद्वारा कतलगढ़ साहब की उच्ची फसील उत्ते वह शब्द लिखे। वह लिखता है बस हिंद में एक ही तीर्थ है यात्रा के लिए, जहां कटाए बाप ने बच्चे खुदा के लिए। ये गल सिख ने नहीं लिखी, एक मुसलमान ने लिखी है। साध संगत वड्याई का सुआद तो आउंदा जे दूजे धर्मां मजहबां दे लोग भी वड्याई करन। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज की वड्याई विच हकीम योगी अल्लाह यार खां जोगी लिखदा है। वह कहिंदा धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज की वड्याई कोई भी दुनिया के संसार के लोग धर्मां दे किसी भी धर्म नाल संबंधित होवे, किसी मजहब नाल संबंधित होवे, उन्हें ऐलान करके एक गल लिखी है दुनिया के लोगों दिलों साफ होके इंसाफ करो। दिल के विचों धर्मां दी ईरखा कढ़ के इंसाफ करो। दिल के विच ये मैल ना रखियो साडा धर्म वड्डा है, साडा गुरु वड्डा है, साडा रब वड्डा है,
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 42 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਦਿਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਫਿਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਦਿਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੋਗੇ ਉਦਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਤੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਕੀਮ ਯੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ ਜ਼ੀਮੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੋਂ ਜ਼ਕੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ, ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ ਜ਼ੀਮੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੋਂ ਜ਼ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਦੇਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸੰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਕੀ ਸੌਗੰਧ ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਕਰੂੰ ਤਾਰੀਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਵੋ ਕਮ ਹੈ, ਹਰ ਜ਼ੰਦ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਮੇਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕਲਮ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਲਿਖੂ ਵਸਫ ਕਹਾਂ ਤਾਬੈ ਰਕਮ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲਿਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਲਫਤ ਕੇ ਜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਕਵੀ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹਮ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੇਖਦਾ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਹਕੀਮ ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਦੇ ਸਦੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ, ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਰ ਗਿਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਲਫਤ ਕੇ ਜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਕਵੀ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹਮਨੇ, ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਵੀ ਸੁਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਮਨੇ, ਇੱਕ ਆਂਖ ਸੇ ਕਿਆ ਬੁਲਬੁਲਾ ਬਹਿਰ ਕੋ ਦੇਖੇ, ਸਾਹਿਲ ਕੋ ਮੰਝਧਾਰ ਕੋ ਜਾਂ ਲਹਿਰ ਕੋ ਦੇਖੇ। ਹਕੀਮ ਯੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਿਫਤ ਕਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝਿਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਦਿਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਕੱਟੜ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਬੰਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਣ ਰੱਖਿਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਔਰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਕਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਉਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਝੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕੀ, ਜਿੱਦਣ ਮੁਗਲੀਆ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਜੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਜੈ ਅਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਜੈ ਧਿਆਈ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਤ ਹੀ ਰਾਜਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਨਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ, ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਇਹ ਭਈ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਗਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੈਂਤਰਾ ਖੇਲਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਅਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਕ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਕ ਕੁਰਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਰ ਝਗੜਾ ਖਤਮ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਂਦੇ।
फिर पहाड़ी राजे हिंदू सन, उन्हें आटे दियां गुंगा बना के कलियां, गीता की पोथी नाल कली, सानू गीता की कसम है, हे गुरु गोबिंद सिंह महाराज एक बार किला आनंदगढ़ छड़ दिओ, साडा तुहाडा कोई वैर ते कोई झगड़ा नहीं। सात संगत, हुण गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आनंदपुर साहब के किले में जुड़े हुए सिखा नू इकट्ठा किया, वह कसमां की चिट्ठी और कुरान शरीफ और गीता का ग्रंथ विखाया, नाल एक गल कही, मैनू तुरकां उत्ते रत्ता भी विश्वास नहीं, मैनू ये तुरकन्ना फौज के वादियां कसमां का कोई विश्वास नहीं, मैनू पहाड़ी राजियां दियां खादियां हुई सोहां का कोई भरोसा नहीं। पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज बोले, कहिंदे फिर भी प्यारे दया सिंह आपां आनंदपुर साहब जरूर छड के जावांगे, फिर भी किला आनंदगढ़ खाली करन दी तैयारी करो। सिखां ने सवाल किया, महाराज एक पासे कहिंदे हो तुरकां ते कोई विश्वास नहीं, एक पासे कहिंदे हो पहाड़ियां दियां खादियां कसमां ते भरोसा नहीं, महाराज दूजे पासे कहिंदे हो किला छड्डण दी तैयारी करो, महाराज जदों कसमां ते विश्वास ही नहीं आपां किला खाली क्यों करिए, जदों उन्हां दियां कसमां ते तुहानू भरोसा नहीं फिर आपां किला क्यों छड्ड रहे। दसवें पातशाह ने बचन कह दया सिंह, हुण गल धर्म की आ गई है, गल उन्हां दी तुरकां दी कसम ते पहाड़ियां दी सौं दी नहीं, गल उन्हां दे धार्मिक ग्रंथ की आ गई। जे अज उन्हां दी ग्रंथ कसम उत्ते विश्वास करके आपां किला ना छड्डिया, यह मुसलमाना दे धार्मिक ग्रंथ कराउण दी तोहीन है, यह गीता की व्यदवी है, असी भुल के भी किसी ग्रंथ की व्यदवी नहीं कर सकते। किसी ने गीता की सौं चुकी है, आपां उत्ते विश्वास ना करिए फिर गीता की निरादरी है। किसी ने कुरान की कसम खाधी है, आपां विश्वास करके ना कर दईए कि जी तुहाडे ते विश्वास नहीं। पातशाह बोले, गल तुरकां की बेविश्वासी की नहीं, गल ते पाक ग्रंथ कुरान शरीफ की कसम दी है, अज किला ना छड्डिया इस कुरान की तौहीन हो जाएगी। महाराज फिर कहणगे ग्रंथां का सन्मान करना, यह गल कल्ली गुरु गोबिंद सिंह महाराज दियां ने नहीं, पहला आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी में आई है, जिथे हजूर कहणगे वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे। भाई किसी का ग्रंथ वेद कतेब झूठे नहीं, झूठा वह है जिहड़ा उन्हां ग्रंथां की विचार नहीं करदा, जिहड़ा उहदी विचारधारा उत्ते नहीं चलदा, वह बंदा झूठा है। किसी का धार्मिक ग्रंथ झूठा नहीं। सात संगत, किला आनंदपुर साहब छड्डण का इको ही कारण है, कुरान शरीफ का अदब और दूजा हिंदुओं की गीता का सत्कार। ग्रंथां का अदब करदे आ पातशाह ने किला आनंदगढ़ साहब छड्डिया। सात संगत, यह संकल्प और सिद्धांत गुरु का है और गुरु के सिख भी इहदे उत्ते पाबंद रहिंदे। मैं कई बार दरबार साहब तो लाइव यह बेनती कही, सैकड़े नहीं हजारां बार दूजे धर्मां दे लोकां ईरखा करन वालियां ने गुरु ग्रंथ साहिब दी वैदबी करन दी कोशिश कीती, ईरखा वालियां ने गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दीआं पोथियां दे पन्ने पाड़े ने, ईरखा करन वालियां ने जान बुझ के गुटकियां दे पन्ने पाड़ के नालियां च खिलार दिते, पर बदले विच किसे एक भी सिख ने, साध संगत कल्ले पंजाब जां भारत विच नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर यह हिस्टरी कढ के वेख लिओ, एक भी सिख उत्ते कोई FRI दर्ज नहीं कि किसी सिख ने बदला लैण वास्ते किसी के धार्मिक ग्रंथ की वेदवी की हो। सिख कदे बदला लैण लई किसी के ग्रंथ की वेदवी नहीं करे, ना किसी के धार्मिक स्थान की वेदवी करदा है। हाँ, वेदवी करन वालियां तो बदला जरूर ले, वो भावें बदला लैके जेलां में सिख बैठे ने, पर किसी के ग्रंथ की तौहीन नहीं की, क्योंकि सिख गुरु के दिते सिद्धांत ते चलदा है। वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचार। इत्थे ही वस नहीं, सब तो निखिध साध संगत, एक बंदे ने पंजाब विच कोशिश की, पहाड़ियां च रहिंदा सी, उहदा नाम बाबा प्यारा भनियारा वाला, उहने गुरु ग्रंथ साहिब दे तुल एक बहुत वड्डा बयान दे के कहा, सिखां दा गुरु गुरु ग्रंथ साहिब 1430 अंग ने, मैं एक ग्रंथ बनाया वो 2860 अंग दा। उहने साध संगत बड़ा वड्डा ग्रंथ तैयार किया, उहदे विच लिखिया की सी, कुछ उन्हें कवितावां लिखियां ने, एक एक पेज उत्ते अपनियां फोटोआं छापियां ने, किते घोड़े ते बह के आशीर्वाद दिंदा है, किते फुल फड़ के खलोता है। उन्हें वो पूरा 1430 पन्नियां दा एक ग्रंथ तैयार किया,
ओदे विच 1400 नहीं 2860 पन्नियां दा ग्रंथ, ओदे विच 1400-1500 अपनियां फोटोआं ला दित्ती। साध संगत उन्हें गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की यह व्यद भी करने की कोशिश की, बदले वे सिखां कोलों बाद विच फिर उन्हें माफ़ी मंगनी पई, उत्ते केस चले, बड़ा कुछ होया। ये सब कुछ तुहानू पता है, पर साध संगत एक गल सुनियो, उस ग्रंथ की व्यद भी सिखां ने नहीं की। जिदन सिखां दे हाथ वो 2860 अंग का ग्रंथ लगा, उन्हें भी अदब नाल लिजा के उहदे डेरे विच वापस किया। क्यों? साडे गुरु का हुक्म है। वह भावें सज्जनों ने ग्रंथ एल्बम वर्गा ही बनाया होवे, पर असी तमी व्यदवी नहीं की। सिख किसी के ग्रंथ की व्यदवी कर ही नहीं सकता। ये गुरु ने पहला हुक्म किया, भाई सिखा तू दूजियां दे धर्मां धार्मिक स्थान और ग्रंथां दा अदब करना, किसी के ग्रंथ की व्यदवी नहीं करे। इतों तक छेवें पातशाह दे वेले सनातनी मत के ग्रंथां दा ब्राह्मण आके कहिंदा जी मैं कथा सुनाउणी, वेदां शास्त्रां दी कथा। गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने कहा सुनाओ भाई, कोई रब की गल ही सुनाओगे। कहण तो भाव सिख धर्म के अंदर कदे किसी के ग्रंथ या धार्मिक स्थान की व्यदवी नहीं की जाएगी। ये श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज का सिद्धांत है। कुरान शरीफ के गीता का अदब रखण वास्ते पातशाह ने किला आनंदगढ़ साहब छड़ दिता। जदों श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज किला छड़ के अजे 3.5-4 मील आनंदपुर साहब तो आए, दुश्मन ने उस वक्त कसम तोड़ दी, चक्कियां हुई सोहां तोड़ दित्तियां, पातशाह दे मगर हल्ला कर दिता। गुरु गोबिंद सिंह महाराज का परिवार सरसा नदी के कंडे विछड़ गया। सारा साका तुसी सुने, श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज की वड्याई पूरी दुनिया का इतिहास एक पासे रख लो, गुरु गोबिंद सिंह महाराज की वड्याई एक पासे दुश्मन की फौज चढ़ के सरसा नदी के कंडे आई, दूजी कड़ाके की ठंड पै रही सी, आकाश विचों धुंद मीह की तरह डिग रही सी। दसवें पातशाह ने अपना परिवार नहीं बचाया। इको गल कही सिखो, वक्त हो गया निरंकार की उस्तत करन दा, अमृत वेला हो गया बह के जपजी साहब का जाप करो। अमृत वेला होया है प्यारे दया सिंह, आसा की वार का पाठ सुनाओ। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने दीवान ला लए, कई इतिहासकार लिखते जे गुरु गोबिंद सिंह महाराज उस वक्त आसा की वार का नेम ना करते, जपजी साहब ना पढ़ते, शायद तुरकन्ना फौज बराबर ना चढ़ती और गुरु गोबिंद सिंह महाराज का परिवार ना बिछड़ता। पर साध संगत पातशाह ने कह दिता उस वक्त जपजी का जाप करना जरूर था। गुरु के सिंघों उस वक्त जपजी पढ़नी अत्यंत जरूरी सी, सानू पूरने पाके देने सी। सिखो तुहाडे घर विच कोई भी दुख होवे पर गुरु की बाणी ना छड्डो। जिहड़ा सिख बाणी तो दूर चला जाएगा उहदे जीवन में दुख होर वध सकदे ने। गुरु की बाणी नाल जुड़िया रही जा, तैनूं दुनिया के दुखां की ताव कदे सुका नहीं सके। जपजी नाल जुड़ के रही, उस तों बाद जाप साहिब के अखीर में गुरु ने कहा सिखा जपजी नाल जुड़िया रही जा, तेरे नाल वादा होए दुकालम प्रणासी दयालम सरूपे सदा अंग संगे अपंगंग बेपुते। जपजी साहब सिख के अंदर सुरूर भरता है। उस वक्त जपजी का जाप करना जरूर था, सिंगों के मन में जपजी का भरना जरूर था। जपजी साहब की बाणी ने सिखां दे अंदर उस कौम तो मर मिटन का सुरूर भर दिता। खैर कलगीधर पातशाह चमकौर पहुंचते, जिस दम चमकौर में हुए सिंगों के उतारे, चुलाए हुए शेर थे गैंज के मारे, हर सिख दियां अखां विच क्रोध ते गुस्सा आ रहा सी। दुश्मन ने धोखा कीता, साडा परिवार गुरु का विछड़ गया, किन्ने सिख सरसा की भेंट शहीद हो गए, गुरु के प्यारे सिख बाबा जीवन सिंह वर्गे सरसा नदी के कंडे जंग में शहादत का जाम पी गए। ये सब कुछ सोच के सिंघां नूं गुस्सा आ रहा सी। दसवें पातशाह ने कोल होकर कहा सिखो हुण गजब का वक्त नहीं, भाव हुण गुस्सा करन दा वक्त नहीं, ये खुदा अल्लाह ताला करीम बंद रहीम का हुक्म है। इस धरती उत्ते आपां पहुंच गए हां जिथे आके बहुत वड्डा साका वर्तना है। ये वो धरती है जिहदे बारे में कई बार कहा श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा, ये वो धरती है जिथे आना जरूरी सी, ये वो धरती है जिथे मेरे पुत्तां तो प्यारे सिखां ने शहादत का जाम पीना। कलगीधर पातशाह रात चमकौर की गढ़ी विच रहे, सवेरे दिन चढ़दा है, दुश्मन की 10 लख 10 लख फौज ने घेरा पाया, घमसान की जंग मची,
इतिहास कहिंदा श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज चमकौरगढ़ी की जंग तो पहली जड़ी रात आ ठंडी रात गुजरी है उहदा हवाला हकीम जोगी अल्लाह यार खान ने लिखा। वह कहिंदा रात पै चुकी सी बुद्धी चंद ने रुखा मिसा प्रशादा लिया के गुरु गोबिंद सिंह महाराज ते पातशाह दे 45 सिखां नूं छकाया जिन्ने पातशाह दे नाल सिख सन उन्हां नूं भोजन प्रशादा छका दिता। रुखा मिसा सब ने छके कलगीधर पातशाह नूं प्यारे दया सिंह कहिंदे ने महाराज तुसीं वी छक लो। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने प्रशादा ना छकिया। बुद्धी चंद नूं कहा बुद्धी चंद तेरी सेवा परवान है, अज तक लोग तेरी गड़ी नूं कच्ची हवेली कहिंदे रहे ने, अज तो बाद गड़ी कच्ची नहीं रह गई, इत्थे पक्कियां दे पैर पै गए ने, रहिंदी दुनिया तक तेरी गड़ी पुजी जाएगी। साध संगत जिथे पक्कियां दे पैर पै जाण वह धरती सचमुच पूजी जाती। वह धरती ते उस गुरु के पैर पए ने जिन्हों कदे भाई गुरदास साहब कहिंदे ने जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थप्पण सुख। गुरु नानक साहब की दसवीं जोत श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने बुद्धी चंद की सेवा प्रवान कर ली। रात पई धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज उस रात सुते नहीं। वह मुसलमान विद्वान लिखद जब डेढ़ घड़ी रात गई जिक्रे खुदा में खेमे से बाहर निकल आए सरकार हवा में। अद्धी क रात हुई सब गुरु दे सिख थके हुए सन दुश्मन नाल जूझ के शरीर टुट चुका सी। आराम वास्ते जिथे किसी नूं कंध नाल जगह मिली सौं गए। कुछ लेट गए खाक पे जी पोश विछाकर कुछ लगे देने पहरा तलवार उठाकर गोबिंद भी शाहबाज हुए खेमे में जाकर। कुछ सिख उत्थे आराम करन सौं गए। किसी ने घोड़ियां दी काठी दा सराहना बनाया किसी ने दमल्ले नूं सराहना बनाया। अद्धी कु रात होई गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने खेमे चों पड़दे चों बाहर आ गए। सिखां ने पातशाह वास्ते घोड़ियां ते पाए हुए कपड़ियां दा आसन लाया सी। एक कपड़ा हवा ना पवे तान दिता। पातशाह उस खेमे में जाके बैठ गए। गोबिंद भी शाहबाज हुए खेमे में जाकर देखा तो वहां बैठे हैं गर्दन झुकाकर गुरु गोबिंद सिंह महाराज सुते नहीं। इन्नी ठंडी रात विच भी चौंकड़ा मार बैठे ने ते चमकौर दी कच्ची गड़ी विच बह के की करदे ने वाहिगुरु 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 है मुख से निकलता है तू ही तू तू ही तू मुख से निकलता। जब डेढ़ घड़ी रात गई जिक्रे खुदा में खेमे से बाहर निकला है सरकार हवा में। पातशाह बाहर ठंडी हवा च निकले वेख्या अपने सिख ते पुत सुते पे। सब वल पातशाह ने कले कले दा मुंह वेख्या। कई सिखां दे पैर ठंड नाल सुज चुके सन कईयां दे बाहां ते लगे हुए फट लोग उसे तरह सुकया पिया सी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अज आखरी वार उन्हां कई सिखां दा चेहरा वेख्या जिन्हां ने कल मदाने जंग अंदर शहादत दा जाम पीना सी। पातशाह नूं पता सी सब कुछ कि दिन चढ़ना है ये सिख कल नहीं रहणगे। कल दे सूरज डुबण तक मेरे अपने दो पुत्र साहिबजादा अजीत सिंह ते जुझार सिंह भी नहीं रहणगे। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज हुण सब सिखां दे कोल कल्ले कल्ले कोल जा रहे सन। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज खेमे से बाहर निकला है सरकार हवा में। कदमों से टहलते थे दिल था दुआ में करतार से कहते थे गोया रूबरू होकर रब नाल गल्लां करदे ऐ दाता कल जाऊंगा मैं चमकौर से सुरखरू होकर। दो बचे ने कल मैं ए भी वार के कल्या तुर जाने। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जदों फिर सब सिखां वल गए ना साफे कवि सिंघों के उठाते थे जमीन से। बड़ी वड्डी गल जिन्हां दे सीस सुत्यां पिया सिर नंगे हो गए केस कलगी त्रिपातशाह ने कईयां दे साफे चुके उन्हां दे केस ढक दिते। एक बेनती मैं अदब सहित करांगा साध संगत जिन्हां ने खंडे वट्टे दी पौल अमृत छके गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी बख्शिश दे पात्र हो। तुहाडे किस्सां विच पंज प्यारिआं ने कलगी त्रिपातशाह दा अमृत पाया है। अमृतधारी सिख नूं हुक्म है कदे नंगे सिर घर तों बाहर नहीं जे निकले। जदों केस अपने हरे करदे ना धो के सुकाउंदे साध संगत वह पर्दे विच बह के सुकाउंदे बाहर गलियां विच नहीं। अपने किस्सा नूं कज के रखदा है ये गुरु का हुक्म है। अमृतधारी सिख नंगे सिर कदे वाशरूम नहीं जाएगा। अमृतधारी सिख
नंगे सिर कदे भोजन प्रशादा नहीं छकेगा, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने किसान अपनी मोहर दसे। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सुते पे सिखां दे दमाले खुल गए, पातशाह ने उन्होंने केस कज दिते, पातशाह ने कई का मस्तक चुमया, कई हत्थां ते फट लगे लोह जमया, वह हथ चुमे, कई पैरों वल घूम के गए। वाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज तेरे वर्गा गुरु केड़ा होने, कई सिखां दे पैर भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने चुम ले। नमस्कार की ओ मेरे पुत्तां तो प्यारे हो, तुहाडे भी घर विच पुत्त धी डीकदे होणगे, तुहाडियां भी मामां ते घर दियां धर्म पत्नियां बच्चे उडीकदे होणगे। तुहाडा मेरे नाल की रिश्ता है, तुसी मेरे प्यार विच बज्जे मेरे सिख हो, मेरी खातर दुख ते भुख कट्टी है, मेरी खातर कल नूं शहीद होणा है। कलगी पातशाह ने सब सिखां दे पैरां च नमस्कार किया। इदां दा गुरु किसे नूं नहीं मिलेगा जिहड़ा सिखां नूं भी नमस्कार करदा है। ओ अल्लाह यार खान जोगी लिखदा है, साफे कवि सिंगों के उठाते थे जमी से, खाब कवि ली तो चाड़ी जमी से, कईयां दी खाक चुके मस्तक नूं लाई। फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कवि हलकूम चूमा, कवि दहन चूमने बैठे, जब पयंती आए तो चरण चूमने बैठे। कईयां दे चरण चूमे पातशाह ने, पुत्तां तो प्यारे हो कल तुसी शहीद होने। कलगी पातशाह रात गुजर गई, नजर पही गेट उत्ते गड़ी दे दरवाजे ते एक सिख पहरा दिंदे, उहदा नाम इतिहास विच आया भाई मदन सिंह। उहनूं कहा बेटा तू भी दो घड़ियां अख ला के आराम कर ले, कल जंग विच जूझणा, लिया वर्षा मैनू दे, तेरी जगह उत्ते पहरा मैं दिंदा। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज अमृत वेले दे पहले पैर पातशाह ने पूरा एक पैर जाग के पहरा दिता। खैर अगले दिन दिन चढ़िया, कमसान की जंग मची, पंज पंज करके सिख मदाने जंग में शहीद होंदे रहे। पंजा जणिया ने पंज पंज सौ नूं मौत दे घाट उतारिया। जदों दुश्मन की फौज नूं बढ़ा लग गया, कलगीधर पातशाह दशमेश गुरु गोबिंद सिंह महाराज के पुत्र बाबा अजीत सिंह मदाने जंग में जाते ने, सैकड़े नहीं हजारां नूं मौत दे घाट उतार के शहादत का जाम पी जाते। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपनियां अखां नाल वेख रहे सन, साध संगत कोई पुत्तां दी खबर दुख दी कन्नां नाल भी सुन ले, वह बंदे दे शरीर विच जान नहीं जे रहिंदी। पुत दे मरन जां एक्सीडेंट दी खबर कोई कन्नां नाल सुने, बंदे दा शरीर तुरनों आवाजार हो जांदा है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज वर्गा कौन होणा है, कल्ला सुनिया नहीं, कलगियां वाले ने अखां नाल अपने पुत शहीद होंदे वेखे। अजीत सिंह दे सीने विच बरशियां बजदियां वेखियां ने, अपने जुझार दे सीने विच तीर बजदे वेखे ने। दुश्मन ने रौला पा के कहा गुरु गोबिंद के फरजंद हैं, इनको मार डालो। साध संगत मदाने जंग विच किसे दे एक गोली बजी, उन्हूं मरन तो बाद द्वारा दुश्मन ने गोली नहीं जे मारी, किसे दे एक तीर बजिया, उहदे मरन तो बाद द्वारा तीर नहीं जे मारिया, किसे दे वर्षी बजी, उहदे शहीद होण तो बाद द्वारा उहदे वर्षी नहीं मारी। पर गुरु गोबिंद सिंह दे फरजंद इतिहास कहिंदे दुश्मन ने गुरु गोबिंद सिंह जी का पूरा गुस्सा उहदे पुत्रां ते कढ़िया। जदों साहिबजादा अजीत सिंह शहीद हो गए, धरती ते डिगण तो बाद सैकड़े दुश्मन बरशियां मार मार सीना बिंदे रहे, संजो आ लोहे की संजो फट गई, पेट तो छाती तक उन्हें बरशियां मार के शरीर चाक कर दिता। फिर साहबजादा बाबा जुझार सिंह 14 साल की उम्र है, तुसी पुत्तां वाले बैठे हो झात मारे हो, 14 साल का बच्चा किड्डा खुंदा है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज अखां नाल वेख रहे सन, अजे मुछां फुट रही ने, दाढ़ी दे छोटे छोटे बाल फटे ने, अजे बालपन की वस्ता चो जवानी च पैर रखने। कलगीधर दशमेश पिता का वह लाडला फरजंद बाबा जुझार सिंह मदाने जंग अंदर दुश्मन ने घेरा पा के मारे, पर बाबा जुझार सिंह ने सैकड़े पहला मौत के घाट उतारे, जिथे बाबा अजीत सिंह की लाश पई सी। इतिहास कर कहिंदे बिल्कुल उत्तों 2 फुट अगां जाके दुश्मन ने घेरा पाया, तो साहबजादा जुझार सिंह सुट लिया, बरशियां मार मार के सीना बिन दिता। पातशाह सब कुछ वेख रहे सन, गुरु का पूरा गुस्सा दुश्मन ने पुत्रां ते कढ़िया। इतिहास कहिंदा अगली रात पई, अद्धी रात नूं 5 सिखां हुक्म करके कहा गुरु गोबिंद सिंह महाराज
गड़ी छड़ के चले जाओ, पंथ तुहानू हुक्म दिंदा महाराज तुसी चले गए, साढ़े वर्गे सैकड़े हजार होर पैदा कर दो। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने पंथ का हुक्म मन्या, अद्धी रात नूं चमकौर दी गड़ी छड़ी, गड़ी छड़ के तुरन लगे हैं। पातशाह ने उच्ची आवाज विच कहा, पीरे हिंद में रवद, जिथे खलो के कहा ताड़ी मारी है उत्थे अज गुरद्वारा ताड़ी साहिब है। जदों पातशाह सूरवीर योद्धिया दे ओ शहादत दे मैदान विचों हजूर नंगे पैरी गुजर रहे सन, बेखौफ ते बेपरवाह होके कलगीधर पातशाह गुजर गए, मगर मगर प्यारे दया सिंह, मान सिंह, धर्म सिंह चले ने। प्यारे दया सिंह ने जदों वेख्या गुरु गोबिंद सिंह लंघ चले ने, अपने पुत्तां दीआं लाशां वल भी नहीं वेख्या, आवाज दे के दया सिंह दा दिल भर आया। इक्को गल कही, पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने पिछां परत के वेख्या, दया सिंह दा गला भर आया। हजूर ने कहा, बोल दया सिंह, रुक क्यों गए? दया सिंह ने हाथ जोड़ के कहा, पातशाह लंघ ते इस तरह चले हो जिमें अखां नाल कुछ वेख्या ही ना होवे। महाराज तुहाडे दोवां पुत्रां दीआं लाशां पईआं ने, वेखो तां सही, गल तों लैके पेट तक तेरे जुझार सिंह ते अजीत सिंह दा सीना चाक कर दिता है, सैकड़े बरशियां मारियां ने। महाराज जांदिआं जांदिआं इक वार मूँह ते निहार जांदे, दोहां पुत्रां नूं प्यार ते दे जाओ। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज बोले, दया सिंह मेरे पुत्तां तों प्यारे सिख शहीदां दे शरीर पए ने, जे मैं पुत्तां नूं प्यार देण लग पिया, दुनिया कहेगी गुरु गोबिंद सिंह ने पुत्तां ते सिखां विच फर्क कीता, मैनूं सिख पुत्तां तों वी प्यारे ने। पातशाह जदों तुरन लगे, जिहड़ी गल दया सिंह ने कही वह किसी भी दुनिया के प्यो के दिल में टक पा सकती सी। दया सिंह बोले, हे गुरु गोबिंद सिंह महाराज, तेरे पुत्रां उत्ते लाशां दा संस्कार करना संभव नहीं, पर पातशाह कफन ते पाया जा सकदा है। तू दीन दुनिया का पातशाह, सवा सवा लख दे प्रशादी हाथी की सवारी कीती है, सवा सवा लख दी चंदन की चौंकी ते बैंदे सौ, तेरे पुत्रां लई रेशमी कुर्तियां दीआं लाइनां लगियां सन। संगत कहिंदी सी, पातशाह असीं तुहाडे पुत्रां लई पोशाक बना के लिआंदी है। महाराज वारी नहीं सी आउंदी तेरे पुत्रां नूं रेशम दीआं पोशाकां, अज तेरे पुत्तां नूं दो हथ कपड़ा कफन भी नसीब नहीं। हे गुरु गोबिंद सिंह महाराज, गरीब तों गरीब बंदा होवे दुनिया च, उहदी भी औलाद नूं कफन मिल जांदा है। प्यो दे रहिंदिआं पुत मर जाए, प्यो नूं कफन पाउणा पैंदा है। महाराज मैं अपना दमाला खोल के दिंदा, दो टोटे करके एक बार शरीर मूँह ढक जाओ, कम से कम कफन पाउण वाला कम ते पातशाह रस्म नवा जाओ। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं दया सिंह हथ जोड़ कहिंदे, महाराज गरीब तो गरीब बंदा होवे उहदी भी लाश नूं कफन मिल जांदा है, तू तां दीन दुनिया दा पातशाह है, तेरे पुत्रां नूं कफन क्यों नहीं? महाराज मैं दमाला खोल के दिने, दोवां दे शरीर उत्ते दो टुटे करके कफन पा दे। जिहड़ी गल दया सिंह ने कही वह वाकई दिल ते टक पाउण वाली सी। ज्ञानी चरण सिंह सफरी लिखते ने, दया सिंह ने पुकार के कहा, गरीब तो गरीब मापे जग विच पए ने, कफनों बगैर दस कीते पुत गए ने, गरीब तो गरीब मापे। महाराज किसी के पुत्तां दी लाश बिना कफनों भी गई है। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज आवाज देख के बोले, दया सिंह रहण दे, शहीदां दीआं लाशां कफणां दीआं मुताज नहीं हुंदीआं, शहीदां नूं कफणां दी जरूरत नहीं, शहीद दी लाश कफण दी मुताज नहीं, क्योंकि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, हयात तो हयात है वो मौत भी हयात है। दसवें पातशाह जदों इंज कह के तुरन लगे, दया सिंह बोले, महाराज मैं कफन पाण लई पता क्यों कहा? सतगुरु तेरा पूरा गुस्सा दुश्मन ने तेरे लालां ते कढ़ दिता है, गल तो लैके पेट तक शरीर चो लहू वह तुरिया, बरशियां मार मार के सीना पहाड़ दिता है, सवेरे दिन चढ़ेगा इलां आउणगियां। पातशाह
तेरे पुत्तां दा मास नोचण गियां। मैं ते तां कहिंदा कपड़ा पा के ढक दिओ, कम से कम तेरे पुत्तां दीआं लाशां ते इल्लां नहीं मास खाण गियां। दसवें पातशाह का कैसा हौसला होएगा? गुरु गोबिंद सिंह महाराज बोले, कहिंदे दया सिंह मेरे पुत्तां दीआं लाशां दा मास इल्लां नूं खा लैण दे। ओए जिन्ना मास नोच नोच के इल्लां आकाश विच उच्चा उड़न गियां, एक दिन इन्ने उच्चे मेरे पंथ दे केसरी निशान साहिब झूलणगे। साध संगत अज एवें नहीं निशान साहिब झूलदे, ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज की कुरबानी करके, ये पातशाह दे फरजंदां दी लसनी कुरबानी है। तां अज केसरी निशान तीन तीन सौ फुट उच्चे झूलदे। आ तुसीं वेख्या साध संगत कुंडली ते सिंघू बार्डर उत्ते किवें अपने परिवार वाले वो किसान पंजाबी सिख डटे हुए ने, उत्थे रौला पे केसरी निशान ना लाओ जी। क्यों? सरकार ते मीडिया ब्लेम दिंदा है, ये केसरी निशान खालिस्तान निशान साहब ना चलाओ, किसाना ना कला झंडा लाओ। पर साध संगत ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बख्शिश है, उस निशान विच बड़ी वड्डी ताकत है। वह निशान किसी बंदे का बनाया नहीं, वह गुरु गोबिंद सिंह महाराज की कीती कुरबानी का निशान साहब है। ते साध संगत उत्थे जिहड़े कहिंदे सन निशान ना लाओ, अज जाके वेखो तुहाडे चों कई गए होणगे। असीं उत्थे रह के उत्थे डेढ़ डेढ़ सौ फुट निशान साहब खालसिया ने गब्बे कढ दिते ने। कल्ला डेढ़ सौ फुट नहीं, एक मैं बड़ा वेख के हैरान होया, मुरां नूं पुछिया हो ढाई तीन सौ फुट उच्चा टावर है, ये तीन चार सौ फुट उच्चे जियो दे टावर उत्ते कौन चढ़िया है? कहने जी बच्चे आ नौजवान हमला मार के हथोथी चढ़ गए। तीन चार सौ फुट उच्चे वह जियो दे टावर उत्ते भी निशान साहब ला दिते। साध संगत ये गुरु की बख्शिश है, वह उत्थे धरती ते बैठे ने अज धरने ते, जिन्हां नूं गुरु गोबिंद सिंह की थपना है। एवें नहीं बैठे, इंज कौन बह सकदा है? ये सच है, सानू थपना गुरु गोबिंद सिंह दी सीस तली ते रखना जानदे हां। तत्ती तवी ते बैठ के गीत गाइए, अरे हेठ भी जिंदगी मानदे हां। सीस गंज ते गड़ी चमकौर वाली सानू अज भी जूझना दसदे ने। ओए जाके पुछ लो कंध सरहंद दी तों बाल चिणे हुए किदां हसदे। साध संगत श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज चमकौर की गड़ी तो अपने साहबजादियां दीआं लाशां कोलों बेपरवाह होकर लंघे। एक घटना घटी उत्थे, जदों महाराज चमकौर की गड़ी तो तुरे, वह सीधा रस्ता जी श्री माछीवाड़ा साहब नूं आउंदा, तुहाडा अलग है तुसीं जांदे रहिंदे हो। उत्थों पातशाह चले, अद्धी रात तो चलदिआं चलदिआं सवेरे दिन चढ़िया एक पिंड दे कोल आ गया। थोड़ी जिही सूरज की लो लगी है, अजे भी धुंद ने आकाश नूं घेरिया होया है। पातशाह संघनी धुंद ते थोड़ी जिही सूरज की लो विच उस पिंड दे लाग्यों गुजर रहे सन, झाड़ियों विचों लंघते जा रहे सन। उस पिंड दे दो गुजर, एक दा नाम इतिहास विच आया अल्फू, एक दा नाम आया गम्मू। दोवां जणिआं ने बग छड्डिआ चरण वास्ते, पशुआं दा मझां गावां दा बग छड्डिआ। साध संगत एक गुजर की नज़र पई, उन्हें वेख के कहा, ओए अल्फू ओ वेख मैनू लगता है गुरु गोबिंद सिंह जा रहे। उन्हें कहा तेनू किवें लगता है? कहन लगा मैं कल परसों का सुनना रौला पे है, गुरु गोबिंद सिंह इधर चमकौर विच आ गए ने, लगता है कल घमसान की जंग होई है, होवे ना गुरु गोबिंद सिंह होणगे। जे आपां गुरु गोबिंद सिंह नूं पकड़ लईए, सरहंद के नवाब नूं जाके दईए, आपां नूं डाढा नाम मिलेगा। दोवां लोभी गुजरां ने अपना बग छड़ दिता, डंगा पकड़ के गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं अग्गों घेर लिया। आवाज दे के कहिंदे महाराज तुसीं गुरु गोबिंद सिंह हो? कलगीधर पातशाह ने बड़ी सहज और धीमी आवाज विच कहा, हाँ बई मैनू ही लोग गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे ने, दसो तुहानूं की कम है? दोवां गुजरां ने हस के कहा, महाराज तुसीं पकड़े गए हो, तुहानूं पता है साडा ये लल पिंड रंगड़ गुजरां दा पिंड है, असीं तुहानूं घेर लिया, हुणे रौला पावांगे, पिंड इकट्ठा करांगे, तुहानूं पकड़ के सरहंद दे नवाब नूं दवांगे, इनाम लवांगे। पातशाह ने बड़े सहज विच गल कही। एक किथे नोट करियो साध संगत, एड्डी वड्डे साके तों बाद पातशाह दे अंदर दा कोई बल नहीं खो सकिया, गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा हौसला कोई पस्त नहीं कर सकिया। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने यह बचन कहे, वह अल्फू ते गम्मू नूं कहिंदे होए गुजरो,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਨਾਮ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਇਨਾਮ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਰੋਕੋ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਓ ਇਨਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੀਸੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਲਾ ਸਿਮਰਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਜਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਲਓ ਅਲਫੂ ਤੇ ਗਮੂ ਇੰਨਾ ਇਨਾਮ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣ ਆਹ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣਗੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਦੋਵਾਂ ਗੁਜਰਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਲਾ ਲਈ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਹਿਣਗੇ ਡਾਢਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿਮਰਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰ ਪਏ ਅਜੇ 10 ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਲੋਭ ਦਾ ਹਲਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸੋਨਾ ਤੇ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਈਓ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਾ ਦੇ ਗਏ ਆਪਾਂ ਘੇਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਪਕੜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਲਵਾਂ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਬ ਕੋਲੋਂ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਲੋਭ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਭੱਜ ਕੇ ਅੱਗਿਓਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕ ਜਾਓ ਮਹਾਰਾਜ ਇਨਾਮ ਤੇ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ ਡੰਗਾ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅਲਫੂ ਤੇ ਗਮੂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਲਕ ਗਏ ਹੋ ਗੁਜਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕ ਚੜ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਮਾਲਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਦਾ ਰੋਟੀ ਦੁੱਧ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਹਲਕ ਜਾਏ ਨਾ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਖੁਦ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਲਕਿਆ ਕੁੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਲੋਭ ਇੱਕ ਹਲਕ ਹੈ ਲੋਭੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਲੋਭੀ ਕਾਵੇ ਸਾਹ ਨਾ ਕੀਜੈ ਜੇ ਕਹਾ ਭਾਰ ਵਸਾਏ ਅੰਤ ਕਾਲ ਤਿੱਥੇ ਤੋ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਏ ਤਾਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੇ ਲੋਭਾ ਲੰਪਟ ਸੰਗ ਸਿਰ ਮੋਰੇ ਅਨਕ ਲਹਿਰੀ ਕਾਲੋਲ ਤੇ ਧਵੰਤ ਜੀਆਂ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰੰ ਅਨਕ ਪਹੰਤ ਬਹੁ ਡੋਲ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕ ਗਏ ਹੋ ਹੁਣ ਹਲਕਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਕੱਢਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਦੋਵਾਂ ਗੁਜਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਡੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਗੁੱਜਰ ਝਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵੱਢੇ ਗਏ ਨਾ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਖਿਆਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ ਭੱਟ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹੱਥ ਦੇ ਰੱਛਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ ਤਬ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਭਾਰਾ ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭੈ ਤੁਮ ਕਾਵੋ ਆਪ ਹੱਥ ਦੇ ਮੋਹੇ ਬਚਾਵੋ ਜਦੋਂ ਆਹ ਪੰਕਤੀ ਆਈ ਨਾ ਸੁਖੀ ਵਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ ਸੁਖੀ ਵਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੰਝੂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਤੇਰੇ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਦੋ ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਹੈ 83 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹੜੇ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਸੁਖੀ ਵਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਥੋੜੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸੁਖੀ ਵਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹਾ
ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੀ ਲਾਹਨਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੁਖੀ ਵਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਖੈਰ ਇੱਧਰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਸ਼ੀ ਵਣਿਓ ਤੁਰ ਪਏ, ਉੱਧਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਫਰਜ਼ੰਦ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਮਰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਸੋਚਿਓ, 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ, ਕੈਸੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੈਸੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਂ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ, ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਤੁਰਦੀ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੰਗੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੋਭ ਦਾ ਹਲਕ ਜਾਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦਿਨ ਗਿਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਓ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੋਤਵਾਲੀ ਮੁਰਿੰਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਮੁਰਿੰਡੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਤੋਂ ਸਰਹੰਦ ਤੱਕ ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਈਆਂ, ਥੋੜੇ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਧੁੰਦ ਫੈਲਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਗੱਡੇ ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਸਰਹੰਦ ਲੈ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਸਰਹੰਦ ਪਹੁੰਚੇ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਝੱਗਾ ਪੱਲਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ, 7 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਨਾ ਵੇ ਲਾਲ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਸਰਹਿੰਦ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਸਰਹੰਦ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਹਨੇਰਾ ਪਿਆ, ਕਚਹਿਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਹੀ ਠੰਡ ਦੀ ਰਾਤ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭਾਰਾ ਕੱਪੜਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਢੱਕ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਭੋਖ ਤੁਖਾਰ ਨਾ ਵਿਆਪਈ, ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਨਾਹ, ਮਨ ਵਿਦਿਆ ਚਰਨਾਰਬਿੰਦ, ਦਰਸ਼ਨ ਲੱਗਣਾ ਸਾਹ। ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਭੋਖ ਸੁਹੰਦਾ ਸਰਬ ਸੁੱਖ, ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਵੀ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨਿੱਘ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਬੜਾ ਕਾਲਾ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਕੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਜਾਵਾਂ ਦਵਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੱਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬੋਲੇ, ਮਾਤਾ ਤੇਰੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸੱਦੇ, ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਬੁਲਾਉਣੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਮੇਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਇੱਥੇ ਅਣਜਾਣ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਪਾਹੀ ਬੋਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਾਤਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੋਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇਰੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਰਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਸਿਦਕ ਨਾ ਹਾਰਨ, ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਮਸਤਕ ਚੁੰਮਿਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਪੁੱਤ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਗਏ, ਪੈਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚਿਹਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਹੈਰਾਨ, ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਕਾਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਲਾ ਡਿੱਗ ਗਈ,
कहन लगा या खुदा इन्ने छोटे छोटे बच्चे ते इन्ना बेखौफ हौसला। एक विद्वान लिखता है वह दाता जांदियां भरे दरबार अंदर साहब जातियां फतेह गजा दिती सत श्री अकाल दा मार नारा तस्वी काजी दे हथों छिड़ा दिती काजी हथों माला डिग पई। या खुदा इन्ने छोटे बच्चे ते इन्ना वड्डा हौसला। वजीर खां उच्ची उच्ची खिड़खड़ा के हस पिया सब कोल बैठे भी हसन लग पे। किसे ना पुछया क्यों हसने सा संगत ये वड्डे राजे लोकां ने इस तरह के बंदे रखने पैंदे ने चापलूस। जो राजा कवे वो थले वाले चापलूसी करके कहण तू बिल्कुल सही गल ओदे हसन नाल हसन गए ओदे चुप करन नाल चुप कर जाणगे। ये दुनिया के राजिया के चापलूस लोग ने बैठिया हुई रियासतां दे होर जिन्हें एहलकार सब चुप कर गए। वजीर खां हस के चुप करके फिर बोलिया थोड़ी देर सोच के कहिंदा मैं ते एवें ही राती सोचदा रहा गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्रां नूं सजावां दवांगा गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्रां नूं आ सजा दवांगा। ओए ते छोटे छोटे बच्चे ने जाओ इन्हां नूं खाण ते खेडण दीआं चीजां दिओ ये आपे ही दो दिन गुरु गोबिंद सिंह भुल जाणगे अपने आप मुसलमान हो जाणगे। कचहरी विचों भेज दिते सब बंदे सूबेदार दे मगर हसते रहे साहबजादियां नूं खाण ते खेडण दीआं चीजां दित्तियां गईआं। इतिहासकार लिखते ने एक भी चीज़ नूं खाण वास्ते साहबजादियां चुकिया नहीं। पता क्यों भुख तां सी क्योंकि मरिंडे की पहली रात कोतवाली विच भुखे दिन पूरा सरहंद तक आउंदिया भुखे रात पूरी ठंडे बुरज विच भुखे। अज तीजा दिन है पेट विच एक भी अन्न का दाना नहीं फिर भी साहबजादियां कोई चीज ना चुकी क्यों आपस विच कहिंदे ने असी किवें खा लईए ठंडे बुरज विच साडी दादी भुखी बैठी है। दोवां साहबजादियां कुछ ना छकिया सपाही खडौने विखाउण लगे कहिंदे ने किसे खेडण वाली चीज वल मन ना गया। अचानक दो खडौने नजर पए ते चुक लै साहबजादियां एक लकड़ की तलवार चुक के कमर कसे विच दे ले एक ने तीर कमान चुक लिया। बाबा फतेह सिंह तीर छड़दे ने बाबा जोरावर सिंह चुक के लियांदे एक दूजे नाल खेडण लग पए। कचहरी का घड़ियाल वजिया सपाहियां नूं कहा साहबजादियां नूं पेश किया जाए। वजीर खां ने फिर कचहरी ला ली सजी कचहरी विच फिर कहिंदा है ओ इन्हां कुछ खाधा है। सपाही बोले जी कुछ नहीं खाधा खड़ौने कोई ले सपाहियां कह जी आ खड़ौने चुके ने लकड़ दियां तलवारां ते तीर कमान। वजीर खां हस के मुखौल करके बोले ओए बच्चे हो ये लकड़ दियां नन्नियां नन्नियां तलवारां करपाना ते तीरां नाल की करोगे। बाबा जोरावर सिंह गज के तिखी आवाज बोले वजीर खां हम गुरु गोबिंद के फरजंद हैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज के पुत्र एक बार छड़ के वेख जे अपनी आई ते आ गए लकड़ दी तलवार नाल भी तेरा सिर वड़ देंगे। वजीर खां दा एकदम चेहरा कंब गया उन्हें कहा बड़े गुस्ताख बच्चे ने मेरी नजर तो दूर ले जाओ ठंडे बुरज विच भुखे रखो कल वेखांगे इन्हां दी आदत। जदों दबका मार कचहरी चो तोरन लगा कहिंदे दोवें साहबजादे कचहरियों बाहर निकल लगे वजीर खां किन्ना डर गया होएगा। इन्हें पिछों आवाज मार के कहा सपाहियां नूं रुक जाओ सपाही रुक गए। सपाहियां नूं कहिंदे साहबजादियां कोलों लकड़ दियां तलवारां ते तीर कमान वापस लै लो क्यों ये डर गया किते ये सच ना हो जाए। गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्तर ने लकड़ दी तलवार नाल भी सिर किवें बढ़ सकदे। सा संगत डरिया होया बंदा भय खांदा फिर सच तो हमेशा ही झूठ डरदा है झूठ किन्ना भी बलवान होवे सात संगत ते सच है जेदे पल्ले सच होवे वड्डे वड्डे शस्त्रधारी बंदे उहदे सामने अखां नीवियां कर लैंदे ने ये सच की बड़ी वड्डी ताकत है। खैर दोवें साहबजादे मां गुजरी को वापस चले गए पूरा हाल मां गुजरी ने पुछया इतिहास कहिंदा तीन दिन कचहरी लगती रही तिने दिन डरावे दिंदे रहे तिने दिन साहबजादियां नूं डरा डरा के ईन मनाउण दी कोशिश कीती
जिदन ना मने वजीर खान ने कहा अज ते हद हो गई, इन्ना लंबा समा इन्ने छोटे बच्चों नूं रखिया नहीं जा सकता, काजी साहब फतवा सुनाओ इन्हां दी अलख मुका दिओ। इतिहास कहिंदा है, मैं विचों विचों बेनती कर रहा, समा घट है साह संगत, जदों फिर दोवां साहिबजादियां नूं आखरी दिन कचहरी सी, अज साह संगत मां गुजरी ने तोरन लग्या अरदास नहीं कीती, अज मस्तक चुम्मिया दुमल्ले सजाए जपजी साहब सुनाया, तोरन लग्या अरदास ना कीती, दोवें साहिबजादे बुरज दियां पौड़ियां उतरे ते एक कदम रोक के बाबा फतेह सिंह ने कहा दादी मां दादी मां अज तू कुछ भुल गई है, वे पुत मैं की भुल गई, दादी मां अज तू अरदास नहीं कीती, तीन दिन अरदास कर दी रही है, मेरे पोते जित के वापस आउण, मेरे पोते जित के वापस आउण, अज दादे दे चरना च अरदास क्यों नहीं। मां गुजरी ने एक गल कही मन भर के, वे मेरे लाल अज पता क्यों नहीं अरदास कीती, तीन दिन मैं मंगदी रही मेरे पोते जित के वापस आउण, अज मेरा मन कहिंदा है तुसी कचहरी चों वापस मेरे कोल नहीं, सिद्धा दादे दी गोद विच चलिया जाणा, क्यों मां गुजरी दी अखां दे सामने इट्टां सुट्टियां जा रही सन, बिल्कुल ठंडे बुरज दे सामने गारा बनाया जा रहा सी, ये सारी प्रक्रिया सवेरे शुरू हो गई सी, कदे तुसी ठंडे बुरज दर्शन करियो सरहंद जा, फतेहगढ़ साहब दर्शन करियो, ठंडे बुरज तो सामने शहीदी अस्थान दिसदा, ये सवेरे दिन चढ़दिया प्रक्रिया शुरू हो गई सी, इट्टा सुटनिया गारा बनाना पहले शुरू कर दिता, ये तय हो चुका सी कि अज ईन नहीं मनी ते दोवां साहिबजादियां नूं कंधां च चिण दिता जाएगा। उच्ची फसील उत्ते वजीर खान बैठ गया, नाल उहदे अहलकार रियासतां दे लोग बह गए, तमाशबीन लोगों ढंडोरा पिट के सरहंद तो सद्या गया, क्यों कल तो कोई इन्ना हौसला ना करे कि मुगलिया हुकूमत का विरोध कर सके, गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्रां नूं इदां दी सजा देणी, लोगों नूं डराउण लई इकट्ठा कीता। इतिहास कहिंदा दोवां साहिबजादियां नूं ओह जगह ते लिआंदा जिथे अज साध संगत ओह शहीदी अस्थान कंधां वाला अस्थान है, सामने मां गुजरी वेखदी है, खब्बे हथ उच्ची फसील ते वजीर खान बैठा है, काजी ने फतवा सुना दिता, दो जला शाशल वेग ते बाशल वेग, दोवां ने कंधा चढ़निया शुरू कर दी, दोवां पास्यों कंधा चढ़ते गए, हुण ब्रीक इट दी कंध सी, वक्त लगना सी, सवेर तो चिणद्या चिणद्या दोपहर हो गई, साहिबजादे पैरों तो लैके गोडिया लक पेट छाती तक कंधा आउंदियां गईयां। पंजाबी दा एक प्रसिद्ध विद्वान ज्ञानी चरण सिंह सफरी लिखदा है, वह कहिंदा श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे लाल मां गुजरी वल वेख के मुस्करा रहे सन, चेहरा सीधा मां गुजरी वल कीता है, पता क्यों, किते दादी दा दिल डोल जाए, एक बार कंब के कह दे वे रुक जाओ असी धर्म छड़ दिने मेरे पुत्रे छड़ दिओ, पर धन सी मां गुजरी, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे लाल, चेहरिया उत्ते मुस्कुराहट है, कंधा चिणदे गए। वह विद्वान लिखदे कहिंदा जदों वह मां गुजरी वेख रही सी, एक जलाद गारे टिट्टां दे भजना ठंडे बुरज कोल गया, वह जलाद का दिल कंबिया, इट्टां फड़ाउण वाले ने मां गुजरी नूं जाके कहा किद्दां दे दादी है तू, तेरा दिल नहीं कंबदा, तेरे पोतरे मर चले ने, एक बारी कह दे धर्म छड्डिया तेरे पोते बच जाणगे, जिहड़ी गल ओह जलाद ने कही। वह विद्वान लिखदा है कहिंदा मां गुजरी दे कोल भज्जा भज्जा एक गया जलाद ते कहण लगा, की कहिंदा है, मां गुजरी नूं कहिंदा जोड़ा एक मसूमा दा रह गया सी, हुण जापदा ओह भी नहीं रहण लगा, बैठ नेरे दे विच तू अम्मीए नी, तेरे चंद नूं लगण ग्रहण लगा। मां गुजरी नूं हुण ओह जला दे गल कहिंदा, कहिंदा देख मां गुजरी बेटा ला पता है
तेरे पुत गुरु गोबिंद सिंह का कोई पता नहीं किसे सुनिया है वड्डे पोतरे चमकौर वे शहीद हो गए ने पर तेरा पुत्र पता नहीं कड़ी दिशा वल चला गया वड्डे पोतरे दादे दे मगर तुर गए छोटे आसरा सन ओ भी ढहन लगा बेटा ला पता है अगों देख किस्मत तेरे बेटे दे बेटे आ जा रहे ने रेशम बिच लपेट के रख दी से इट्टां बिच लपेटे ओ जा रहे ने जिन्हां नूं रेशम च लपेट के रख दी सी वेख इट्टां च लपेटे गए ने कंधां गले तक आउण लगियां ने कुछ घड़ियां दा होर वक्त रह गया तेरे पोतियां दा साह घुट हो जाने ना मर जाने मां गुजरी एक बार कह दे धर्म छड्डे है तेरे पोते बच जाणगे मां गुजरी नूं हुण उह जलाद इस तरह कहिंदा अगों फिर मां गुजरी ने जवाब दिता उहनूं जदों बाबा फतेह सिंह दे मूंह उत्ते टां लाउण लगा ना क्योंकि सब तो छोटा कद बाबा जोरावर सिंह तो बाबा फतेह सिंह 2 साल छोटा है इसलिए कद भी छोटा है पहला मूंह बाबा फतेह सिंह दा लुकना सी पहला गल कुटिया जाना सी बाबा फतेह सिंह जी दा कहिंदे जदों आखरी रदा आउण लगा फतेह सिंह मासूम दे मूंह उत्ते जदों रदा अखीर लाया आउण लगा पज कारे दे फेर जलाद भज्जा जाके गुजरी ताई सुनाउण लगा माता गुजरीए किहो जई गुजर दिए तेरे उत्ते कहारियां गुजर गईयां गया गुजरिया शहर भी आखदा है गुजरी उत्ते कहारियां गुजर गईयां मां गुजरी अगों जवाब दिता फिर की जवाब मां गुजरी ने दिता वे तू इथों तक आए जी सदके जलाद नूं कहिंदे मेरे अखां च नवी लियाउण खातर आ गल्लां ताइयों कहिंदे ना मैं रोप मां ताइयों कहिंदे ना दादी दा दिल डोल जाए वे मेरे अखां च नवी लियाउण खातर नवी खबर लियाया ए जी सदके वे जा तू हुक्म मन मां गुजरी ने दबका मार के कहा कहिंदी वे जा तू हुक्म मन तेनू कौन रोके वे किणिया कातों तू किणी जाने कंध मिणी जाने वार वार जेड़ी कफन मुगल हुकूमत दा मिणी जाने ये मुगलिया हुकूमत दा कफन है जदों मेरे पोतियां ने कंधां विच लुक जाने कंधां डिगण गईयां तुहाडी मुगलिया हुकूमत दफन हो जाए मां गुजरी ने कहा वे जा तू हुक्म मन कहिंदे झिड़का मारिया ना जलाद मुड़ गया फिर ते गुस्से विच दुखी होके मुड़िया फिर उन्हें जाके की कीता परत गया जलाद फिर दुखी होके खूनी कंध उत्ते इट्टां लाउण लगा इट्टां लाउंदा है बाबा फतेह सिंह दा मूंह ढक होण लगा आखरी वार अखां नाल दादी वल वेख्या दादी ने पोते वल वेखे कैसा हालात होएगा सा संगत वो विद्वान लिखदे परत गया जलाद फिर दुखी होके खूनी कंध उत्ते इट्टां लाउण लगा ओ अंबर विच कहारी दे शेक पै गए ते सीना पृथ्वी दा थर थरौण लगा मां गुजरी ने फिर बड़े हौसले नाल बोलिया वे मेरा ना गुजरी मेरी अल गुजरी एहो जी कहारी दा मेरे उत्ते घड़ी घड़ी गुजरी पल पल गुजरी पहला पति दिता फिर मैं पोते तोरे आहुन मौत मैनू कहिंदी है चल गुजरी लोकी गुजरी मैनू ताइयो आखदे ने जिहड़ी आई सिर ते ओ मैं चल गुजरी दोवें साहबजादे कंधां विच लुक गए सब खामोश हो गए सब दे साह रुक गए साह संगत एक टक दुनिया वेख रही सी सरहंद सुन पै गया कुछ मिनटां बाद अचानक कंधां डिग पईयां
ਦੋਵੇਂ ਸਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਉੱਚੀ ਫਸੀਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਓਏ ਜਲਾਦੋ ਵੇਖੋ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਦੋਏ ਜਲਾਦ ਸਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ, ਨਵਜਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਜੀ ਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਹ ਹੁੱਟਣ ਨਾਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਉੱਚੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵੱਢ ਦਿਓ। ਦੋਵਾਂ ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਖੰਜਰ ਕੱਢੇ, ਦੋਵਾਂ ਸਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਤੋਂ ਸਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ, ਅਸਹਿ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਨਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਐਂ ਪੋਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਦਾਦੀ ਨੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਿਆ। ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਕਾਈ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੀਰ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਰਕ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੱਟੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹੀ, ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵੀ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਮੇਰੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕੇ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਜ਼ੰਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂਹੀਓ ਲਾਭ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਈਏ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਸਿੱਖੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਦਾ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੱਜਣੋ ਸਿੱਖੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਬਖਸ਼ੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖੀ ਮੰਗੋ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਈਰਖਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਈਰਖਾ ਕਈ ਵਾਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਈਰਖਾ ਕਰੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਜੋ, ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਬਣੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਕੇਸਕੀਆਂ ਦੁਮੱਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਉਹ ਦੁਮੱਲੇ ਕੇਸਕੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਜਾਓ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਏ ਉਹ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਲੇ ਧਾਗੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਆਹ ਨਵਾਂ ਟਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਲੇ ਧਾਗੇ, ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਧਾਗੇ। ਪਰਸੋਂ ਮੇਰਾ ਯੂਪੀ ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬੀਬੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕਰੇ, ਹੱਥ 'ਤੇ ਧਾਗਾ ਬੰਨਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਨਿਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਜਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੜਾ ਪਹਿਨੇ ਹੈ, ਕੜੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਲੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦਲੇਰ ਬੀਬੀ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦ ਮੰਗਾਈ, ਵੱਢਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਧਾਗਾ। ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਧਾਗਿਆਂ ਦੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਕੜਾ ਪਹਿਨੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੁਸ਼ਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦੁਨੀਆ ਦੁਖੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਤੋਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 10 ਵਜੇ 12 ਵਜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ, ਰਾਤੀ 1-1, 2-2 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਦੀਵਾਨ 12 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ 1-20 ਜੋੜਾ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। 1:30-2 ਵਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਮੁੜਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿਓ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ
ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ। ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਵੇ ਵਾਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ, ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਨਗਰ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਇਤਫਾਕ ਬਖਸ਼ਣ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੜਿਓ ਗੱਜ ਕੇ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਭੈਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਉਣੀ ਹੁਣ ਗੱਜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹੋ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕਾ ਵਲ ਵਲ ਜਾਈਏ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੇ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕਾ ਵਲ ਵਲ ਜਾਈਏ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੇ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕਾ ਗੱਜ ਕੇ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਵਲ ਵਲ ਆਪ ਮੁਕਤ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਵਲ ਵਲ ਜਾਈਏ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਵਲ ਵਲ ਜਾਈਏ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕਾ ਵਲ ਵਲ ਜਾਈਏ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕਾ ਵਲ ਵਲ ਜਾਈਏ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਵਲ ਵਲ ਜਾਈਏ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੇ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਵਲ ਵਲ ਜਾਈਏ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੇ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਆਪ ਮੁਕਤ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਗਾਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਕੁੱਪਰ ਹੀੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਟੀਵੀ ਯੂਟਿਊਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਦੁਰੇਡੇ ਬੈਠੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਵ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਲਾਹੇ ਲੈਂਦੇ, ਦੂਰ ਦੁਰੇਡੇ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਟੀਵੀ ਵੀ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਟੀਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਗੰਧਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕੰਗਣਾ ਬੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੇਟ ਵੇ ਸੰਗਤ ਜੁੜ ਜਾਊਗੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਏ, ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਐਵੀਨਿਊ ਜੋ ਰੋਪੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ